हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भगवान शिव का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि भगवान शिव को कई नामों से जाना जाता है, उन्हीं में से एक नाम है नीलकंठ। भगवान शिव के हर नाम के पीछे एक कहानी छुपी है और उसी तरह नीलकंठ नाम से भी एक कहानी जुड़ी है। एक बार की बात है, देवता और कुछ राक्षस समुद्र से अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, लेकिन अमृत के साथ साथ समुद्र से विष यानी जहर भी निकला। यह जहर इतना खतरनाक था कि उसकी एक बूंद पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। अब देवता और राक्षस दोनों ही बहुत डर गए कि अब क्या किया जाए। फिर वो लोग भगवान शिव के पास गए, उन्होंने भगवान शिव को सारी बातें बताईं। उसके बाद भगवान शिव ने उनकी बातें सुनकर उस पर यह फैसला लिया कि वो इस विष को पी जाएंगे। उसके बाद भगवान शिव ने विष का घड़ा उठाया और सारा विष पी लिया, लेकिन भगवान शिव ने उस जहर को यानी विष को अपने कंठ में ही रख लिया और उसे गले से नीचे नहीं उतरने दिया। जहर के कारण भगवान शिव का गला नीला पड़ गया। यही कारण है कि उनका नाम नीलकंठ पड़ा। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि भगवान शिव का नाम नीलकंठ कैसे पड़ा। तो वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।